भाई के साथ में एक इंसिडेंट हो गया यहाँ पर, वो खिंचवाते गया फोटो, तो अभी उसको चूना लग गया कुछ तो भी। ओके गाइस, वी आर इन द चित्तौड़गढ़, और यहाँ पर ये नक्शा है जो भी दिखा हुआ है। यहाँ पर सेंटर में शिव टेम्पल है, सूरज कुंड, लाइक वाटरफॉल टाइप है वहाँ पे वाटर का। और ये है टिकट काउंटर, ओनली फॉर दैट टू व्हीलर व्हीकल्स, फोर व्हीलर व्हीकल्स के आते हैं पासेस यहाँ पे। शायद ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए गवर्नमेंट के अंदर आता है इसलिए। और ये इनका पूरा मैप सिस्टम। हाँ भाई, ओके, ये हमारे जो ड्राइवर है वो बुला रहे हैं। चलो भाई, चलो ऊपर जाके देखते हैं पॉड का व्यू ऊपर जाके देखते हैं। ये हमारी पार्टी टीम पूरी जो चित्तौड़गढ़ किला देखने के लिए आए हैं फोर्ट्स। हाँ भाई, तो बबलू कुछ बोलना चाहता है इसको? नहीं, ये नदीम को घोड़े पे बिठाना है अभी, सिर्फ इसको घोड़े पे बिठाना है क्योंकि शादी में बैठने को मिला नहीं इसको, अभी हमको इसको बिठाना है सिर्फ। गजब बेइज्जती है। ये हमारी गाड़ी चलती है भगवान की तरफ, वॉट की तरफ, ओके। ये हमारे साथ में गाइड है शोएब। अरे भैया, इतना मजा आ रहा ना दादा, क्या क्या बोलूं तुम्हारे को, पता नहीं सकता। बहुत इंजॉय कर रहे हैं बोटे, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मेरा ही नहीं हो रहा बस इंजॉय, एक नंबर मजा आ रहा है। इन्होंने रात भर में फोन नहीं किया इसलिए मैं घूमना भी नहीं चाहता, गाड़ी में सोना चाहता हूँ, बस इतना मेरे को मालूम है। हेलो फ्रेंड्स, यार इन द चित्तौड़गढ़ का जो मार्केट है, मेन मार्केट जो प्लेस है जहाँ पे हॉर्स राइडिंग होती है, तो वहाँ पर देखो हॉर्स राइडिंग हो रही है। वहाँ पे तकरीबन हम 8 किलोमीटर यहाँ पे ट्रैवल्स करके आए हैं। अब यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हॉर्स राइडिंग होती है, और सामने के तरफ मार्केट है, उस साइड में मार्केट इसका है जो गरबा के ड्रेसेस रहते हैं वो ड्रेसेस का। यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स बार्गेनिंग कर रहे हैं हॉर्स राइडिंग के लिए। आधा किलोमीटर के 100 रुपए ले रहे हैं भैया चार्जेस, वो भी यूट्यूबर से। देखो वाला अगर से हमने ऐड करे दादा उनकी, तो इधर तो पब्लिक लाइन लगा ही साले लोग आ जाएंगे। देखो शूटर गन है, और यहाँ पर ये मार्केट, एक बार आपको मार्केट दिखा देते। दिस वाज द मार्केट ऑफ चित्तौड़गढ़। You can see, आप देख सकते हैं यहाँ पर
डिफरेंट लुकअप्स है, गरबा के कॉस्ट्यूम्स है, यहाँ पर गरबा के जो कॉस्ट्यूम रहते हैं यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, गरबा के कॉस्ट्यूम डिफरेंट रेट्स के अंदर बहुत सारे यहाँ पे गरबा कॉस्ट्यूम जो जनरली हम यूज करते हैं गरबा के लिए। और यहाँ पर बाकी कुछ नहीं, हॉर्स राइडिंग का है, मेन किला आगे है जो चित्तौड़गढ़ का मेन किला है, वो भी आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। तो यहाँ पर हमारे साथ में का एक जो बंदा है नावेद, तो वो सॉरी कर रहा है, भाई बोले तो मामा को देखने का। हां मैं तो नीचे ही रहूंगा, जगह मत बोल भाई, रिजवी मेन के ऊपर जंप जंप ओके सिंपल। चलो अभी ये थोड़ा स्टंट करके बताएंगे अपनों को, एक मिनट या कुरलोस उस्मान ए राने कुछ समझे चार्जेस ओके, फुल जम के साथ में फोटो लेने का हो रहा है, बैठे रवि भाई घोड़े पे, रवि भाई ने एक और क्लिक कर लिया, 10 रुपीज पर पिक्स विद चले भाई, इसको बढ़िया था मैं, लंबी किस्त है ये पकड़ने का, ये नको 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 जी नको, ये पकड़ने का, ये खास से पकड़ ये जी सर ओके, ये पकड़ने का हमको आजी घंटे जेल मचाएगी जान रखे, ओए होए बोलते ही से क्या बात बस। भाई के साथ में एक इंसिडेंट हो गया यहाँ पर, वो खिंचवाते गया फोटो, उसको पता नहीं था 4 रुपए कॉपी है फोटो की, तो अभी उसको चूना लग गया कुछ, तो भी कितने रुपए का चूना लगा तेरे, हमको 150 का लगा है, 150 घोड़े का लगा, घोड़े का लगा क्योंकि फोटो का हमारे भाई बुला के जाना के भाई एक्स्ट्रा, हाँ तो उसमें फोटो भी हम घोड़े की पोस्टिंग हो जाएंगी, तो ये बोलते घोड़े बैठने के 170 रुपए सिर्फ, हाँ और वो पोस्ट वाले के पैसे 340 अलग। देखो अब क्या करना हमने, तुम ही बोलो भैया, बोलेंगे बोलो भाई क्या करना हमने, 150 दिला दो ना बात कर, 150 रुपया देगा, 150 रुपए लेगा। चित्तौड़गढ़ का पॉइंट है ये, इसका एंट्रेंस है और सामने उसका एंट्रेंस से अंदर जाने का, अरे छोटा सा इन्होंने यहाँ पर बना के रखा है, चेंज योर हेरिटेज एंड फील द ग्लोरियस, ये हमारे इंडियन प्रशासन ने बनाया है, पद्मिनी पैलेस नाम है इसका, ये आप स्पीड में पढ़ सकते होंगे तो पढ़ लो, या तो बाद में वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। और ये विरासत है को संजो कर रखा गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पैलेस हमको जल्दी से निकलना है यहाँ से अजमेर के लिए, और ये स्मॉल गार्डन है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ऐसा लग रहा था कुछ किला टाइप होगा पर तो इतना अभी ज़्यादा बेटर नहीं लगा यहाँ पे आने के, पूरी हॉर्स राइडिंग अच्छी थी, बाकी सब विरासत टाइप जो आती है लोकल, तो ऐसे ही है सारा सारा यहाँ पर, गार्डन तो बहुत देख चुके हम, यहाँ पर है ट्रैवलिंग्स का ऑटोबूस, इंडिया का 3 क्वींस जो ब्यूटीफुल थे उसके अंदर वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वीन होती थी, और वो जो बीच में पैलेस दिख रहा है आपको वो पैलेस एयर कंडीशनर रूम है,
उसको सराउंड वाटर फ्लो रहता है यहाँ पर, चार महीने रहते थे वो, जब धुपकाली का टाइम रहता था, सनसेट का टाइम रहता था, तो टाइम में यहाँ पर थे, उसमें अंदर कारीगरी करी है चूना पत्थर की, चूना पत्थर सोक कर देता है, पूरे एब्जॉर्प्शन कर देता है वाटर को, और उससे ठंडा रहता है अंदर का माहौल। और ये जो आपको दिख रहा है वॉल्स पीछे, तो वो वॉल्स वहाँ पर बगीचा है, अंदर थोड़ा बहुत गार्डन्स है, और वहाँ पर ब्यूटिशियंस का काम होता था, थोड़ी बहुत डांसिंग और जो भी जैसा इंजॉयमेंट का रहता था रानी पद्मावती का, तो वो है पैलेस। और यहाँ पर आपने हाउस राइडिंग देखी है, और ये जो रोड्स है उनका ट्रैवलिंग का रोड था ये, और इतनी हिस्ट्री हमको बताई गई है भैया के थ्रू। मिलते हैं बाद में, बाय।